चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10वीं की समकालीन भारत सेकंड के बारे में, यानी कि ये भूगोल की बुक से आपकी। तो याद रखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग उन सब के बारे में बात कर चुके थे। आज हमें पहला अध्याय देखना है, संसाधन एवं विकास के बारे में जानना। एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं सब कुछ क्लियर करके ही डालता हूँ। आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि वो कक्षा 10वीं की पॉलिटी की नहीं पढ़ाई, राजनीति विज्ञान। तो याद रखिए, एक बार देख जरूर लिया करिएगा, प्लेलिस्ट सूची में जाकर वहां जरूर देख लिया करिएगा कि आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, क्योंकि मैंने पूरा कवर करवा दिया है उसे। कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स डाल दी गई हैं, टेलीग्राम पर भी आपको उपलब्ध हैं और यहाँ क्लास में भी आपकी उपलब्ध हैं। कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटी की बुक्स भी पढ़ा दी गई है। आज हमें बात कर रहे हैं समकालीन भारत के बारे में, सेकंड के बारे में, इसे भी। उसके बाद तीन बुक्स और बचती हैं कक्षा 10वीं की, उन्हें भी हम लोग क्रम से देखेंगे। संसाधन एवं विकास, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें, इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का उपयोग बताएं। याद रखिए, अपने सूची आपको बनाते हुए नहीं बैठना है। सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करते हुए बैठते रहें। तो आपको केवल दिमाग में सोच लिया करिएगा, सूची बनाने के लिए आ रहा है या फिर कहीं प्रयोगशाला की बात की जा रही है, क्रियाकलाप की बात की जाती है, तो वहां अपने दिमाग में ही सब कुछ कर लिया करिएगा और 1-2 मिनट में निकल जाया करिएगा उसे पढ़कर। मैं तो कहता हूँ 1-2 बार आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आपको शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े मन से पढ़ना है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने की लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन है। आप भी एक संसाधन है, मानव संसाधन है आप। यानी कि कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आज से पहले हजार कई साल पहले आपने देखा है कि रेत बजरी का काम नहीं, जो रेत अभी नदियों में आती है उसका उपयोग नहीं होता था, तब तक वो मेरे लिए या हमारे लिए सबके लिए संसाधन नहीं थे। आप देखते हैं कि लोहा बहुत पहले से था, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं होता था तब तक हमारे लिए वो संसाधन नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी जरूरत हो और वो उपयोग करने लायक हो, उपयोग करने लायक, तो उसे ही हम लोग संसाधन कर लेते हैं। मानव संसाधन, मानव पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जापान को देखिए, 2 बार परमाणु हमला झेलने के बाद 1945 में आपने देखा है कि फिर भी विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हो रहा है। तो वहां के अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था, राष्ट्र प्रमुख ने, कि हमारी सबसे बड़ी विजय है कि हमारे यहाँ मानव पूंजी है, यानी कि हमारे यहाँ कार्यशील पूंजी है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं। समझ रहे हैं? एक कहावत भी सुनते रहते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ के जो भी व्यक्ति होते हैं, इंसान है, उनमें एक कर्तव्य नाम का मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपके, उन नाम का कोई हमारे यहाँ जागरूक नहीं है, कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। लेकिन कहते हैं अगर देश के हित में काम हो तो वहां 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकते हैं। और कई जगह आपने सुना है कि जब हड़ताल होती है, भूख हड़ताल हो रही, इस तरह की जो भी कंपनियों के खिलाफ हड़ताल हो रही है या सरकार के, तो उस समय कंपनी वाले क्या करते हैं पता है? कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं, वहां की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहां एक पैर का जूता बना देंगे। तो समझ रही है, एक पैर का जूता बन चुका है, अब जैसे ही हड़ताल खत्म होगी दूसरे पैर का जूता बन जाएगा। तो कंपनी को भी नुकसान नहीं हुआ, मजदूरों को भी नुकसान नहीं हुआ, और आपके यहाँ देखेंगे आप लोग तो क्या होगा कि हड़ताल कर रहे हैं तो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी कंपनी, तोड़फोड़ करेंगे सरकारी संपत्ति की, तोड़फोड़ करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पिछड़े रह गए। समझ रहे हैं? हमसे बेहतर स्थिति में चाइना पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि जीडीपी के मामले में चाइना कुछ सालों बाद पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। और देखते हैं आप लोग, वैसे भी बहुत से इंडेक्स आते हैं जिनमें चाइना हमसे ऊपर ही रहता है। समझ रहे हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं वस्तुओं के की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ किया क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या
क्या भी अन्य वस्तु बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक बात आप सोचिए कि आप लोग ही तो संसाधनों को बनाते हैं। कहा जा रहा है ना कि मानव संसाधन सबसे ऊपर है। आप सोचिए कि पर्यावरण में हजारों वस्तुएं उपलब्ध है, हमारी धरती पर हजारों वस्तुएं, हजारों तरह के पदार्थ उपलब्ध है। क्या सबको पता है कि इस तरह का यूज होता है? जब आप ही इसे यूज के काबिल बनाते हैं, उपयोग के काबिल, तब जाके वो संसाधन बनता है। कोई ही वस्तु अपने आप में पूरी तरह से संसाधन नहीं है जब तक व्यक्ति उसे संसाधन ना बनाए, यानी कि उसकी जांच परख ना करे। आप देखते रहते हैं कि कई तरह की सब्जियां बनने लगी हैं जो पहले नहीं बनती थी, तो मानव ने उस पर कार्य किया और जाना कि इसकी भी सब्जी बन सकती है, तो वो भी हमारे लिए संसाधन हो गया एक तरफ से। समझ रहे हैं? तो यही है। अगर संसाधनों के प्रकार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और सामवेयता के आधार पर नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। नवीकरण ऊर्जा पर भी देख रहे हैं आप लोग किस तरह से जोर दिया जा रहा है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर पर आप देखेंगे तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध, ये मानव हो गया। भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं। संसाधन यहां दिए गए, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक, मानवीय। नवीकरणीय युग, अनवीकरणीय युग। अगर नवीकरणीय को देखें तो सतत अथवा प्रवाह, पवन, इसमें जल। जैव, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। आप समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा की बात इसलिए की जा रही क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोयला हो फिर या कच्चा तेल हो, एक समय के बाद एक खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोयला हो या फिर कच्चा तेल, इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। और अगर आप सूर्य से हमारे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, या पवन से या जल से, तो ऐसी ऊर्जाएं हैं, इससे ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो जब तक आप सोचिए हवा चलेगी तब तक आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। आप समझ सकते हैं कि पवन जिस दिन चलना बंद हो गई उस दिन हमारा भी रहना इस पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा, तो आपके साथ साथ ये चलती रहेगी, ठीक है, या आप उसके साथ साथ चलते रहेंगे। उसके बाद अनवीकरणीय युग, इसमें पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। मानवीय अगर की बात करें तो संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। क्रियाकलाप, प्रत्येक संवर्ग में कम से कम दो संस्थानों संसाधनों की पहचान करें। संसाधनों की प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, ये आपके जैव संसाधनों में आते हैं, ठीक है। अजैव संसाधनों की बात करें तो बेहद सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें आपके आगे जैसे चट्टाने हुए, धातुएं, इन्हें सम्मिलित किया जाता है। अगर सामवेयता के आधार पर बात करें तो नवीकरणीय युग संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधनों कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। फिर दूसरे आपकी अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने बताया है ना कि लाखों, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लोहा आप देखते हैं, स्टील देखते हैं या फिर कोई और भी धातु देखते हैं, तो जैसे ही आप देखते हैं लोहा किसी वाहन में लगा और टूटता है तो वो बिक जाता है, उसके बाद उसे दूसरे रूम में ढाल दिया जाता है, तो इसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। लेकिन आप तेल देखते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं कि जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल लगता है उसके बाद आप चलाते हैं तो उसे दोबारा ऐसा कुछ नहीं बचता है उसमें कि दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसे।
अगर स्वामित्व के आधार पर हम लोग संसाधनों की बात करें तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत संसाधन संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची भी तैयार कर सकते हैं। छोड़िए, सामुदायिक अगर स्वामित्व वाले संसाधन की बात करें तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामिलात भूमि, इसमें चारण भूमि हो गया, श्मशान भूमि हो गया, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए ये उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, अब सोचें आपकी श्मशान है जो वो किसी एक व्यक्ति यूज करे, ऐसा नहीं होता है। आप भी जा सकते हैं, पर कोई भी, हम भी जा सकते हैं या कोई भी जा सकता है वहां अपने। ठीक है, ऐसे ही तालाब देखिए आप लोग, ये वो अलग समय था कि तालाब छुआछूत रहता था, तब जो निचले तबके के लोग थे उन्हें नहीं भेजा जाता था, उन्हें रोका जा सकता था जाता था। लेकिन अब इस तरह के कानून आ चुके हैं भेदभाव के, कि अब इन्हें हटा दिया गया है, अब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें अगर हम लोग, तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भू भागीय समुद्र, व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। एक बात याद रखिए कि आपकी अभी जमीन अगर अधिग्रहण की जाती है तो आपको मुआवजा दिया जाता है। और आप जानते हैं कि अगर मुआवजा ना दें, आप जबरदस्ती करें कि हमें नहीं चाहिए मुआवजा और हम जमीन नहीं देंगे, तो भी आपकी जमीन जाएगी। इसके लिए आप कोई न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्यों? आपने देखा था कि संपत्ति का अधिकार आपका था, मौलिक अधिकारों में जुड़ा था, कि अगर इसका आप हनन होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन आपने देखा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है 1978 में। तो अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसका अगर कोई आपकी जमीन हड़पता है, मतलब सरकार, तो आप अंतर्राष्ट्रीय या कहीं भी किसी भी न्यायालय में जा सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुली महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। विकास के स्तर के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो संभावित संसाधन या वे संसाधन है जो किसी विदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है। अगर विकसित संसाधनों की बात करें तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावना के स्तर पर निर्भर करता है। फिर भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। और हाइड्रोजन को आप समझते हैं कि बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है, इससे कम प्रदूषण भी फैलता है और भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसका इसे। ठीक है, आप सोचिए कि अगर धरती में कहीं भी आपके कोई भी आपके यहाँ भी अगर तेल है या फिर कोई भी धातु है तो उसे जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपके लिए वो संसाधन कैसे बन सकता है।
नीचे तो सब कुछ है। आप सोचें कि अब आपको मिले तब तो सही, तभी तो कहा जा सकता है संसाधन। तो आपकी पहुंच नहीं है वो संसाधन नहीं कह सकते हैं। मानव जाति की पर ये एक में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को मत रख लेना। मालूम चला आपके पास सुविधा नहीं, पड़ोसी के पास सुविधा है, तो आप कहें कि ये संसाधन नहीं है, ये है कि आपके पास कमी है उसकी। संचित कोष की अगर बात करें तो यह संसाधन भंडार का एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। कब? भविष्य में। पर आपके संसाधनों का विकास की बात अगर हम लोग करें तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। आप समझिए कि आपके यहाँ वन है, ठीक है, एक प्रकृति ने दिए हुए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें उपयोग करते रहे सीमित समय के लिए। आप अगर एक वन काट रहे हैं, दो वन काट रहे हैं, दो पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी जगह एक दो पेड़ आप लगा तो सकते हैं, तो ये एक संतुलन बना रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब पेड़ काटते जाए, जंगल साफ करते जाए, लेकिन हम उसकी जगह पेड़ नहीं लगाएंगे, तो इसी का परिणाम होता है कि आप बीमारियां देखते हैं तरह तरह की, इसी के कारण उत्पन्न होती है। कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हो रहा है। एक आपने गांधी जी की कोट सुना होगा कि हमारे जो भी प्रकृति है ये हमारी जरूरत पूरा कर सकती है, जितनी हमारी जरूरत है सभी व्यक्ति की, इसकी इतने बात इसके पास इतनी क्षमता है कि सभी व्यक्तियों की धरती पर जितने लोग रह रहे हैं उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन किसी एक लालची व्यक्ति के अगर मन मन में लालच आ जाता है तो उसके लिए सभी संसाधन कम पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी के पास एक खेत है, वो खेत से उसे इतना खाने के लिए उत्पन्न हो रहा है कि उसके परिवार का खर्च चल सकता है और खाना पीना की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो क्या करेगा कि एक पूरा जंगल साफ, उसकी लालच बढ़ जाएगी, वो साफ करता जाएगा, तो आप सोचिए कि ये तो कम ही पड़ जाएगा, उसकी लालच के आगे पूरी प्रकृति कम पड़ जाएगी। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि, ये सभी देखे जा रहे हैं। और एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है कि अंटार्कटिका पर भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वहां तो मानव जाति रहती भी नहीं है, फिर भी वहां भी इस तरह के अवांछनीय तत्व देखे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी बनता जा रहा है कि जब जहां मानव जाति रह नहीं रही है, अगर वहां भी प्रदूषण फैलने लगे, तो आप जहां हम लोग रह रहे हैं वहां की स्थिति आप जान सकते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों या फिर देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप इतना उपयोग कीजिए पर्यावरण का कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप सोचें कि यही आप सोचते रहे, आपके दादाजी हैं वो आपके लिए कुछ छोड़ गए हैं कमा के रख गए, आप उतना कमा दीजिए कि आपके बच्चे खर्च, बच्चे अपना कर्तव्य निभाते हुए इतना रख जाएंगे कि उनके बच्चे सुखी रहे, तो इस यही पर्यावरण के साथ भी करना होगा कि हमें इतना बचा के रखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सतत मतलब सभी उपयोग होते रहे, उसके शुद्ध हवा मिलती रहे, पानी भी मिलता रहे,
एक आप सम्मेलन सुनते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। याद रखिए आप लोग कि आप लोग कुछ समय पहले देखते थे कि पानी क्या देखते थे, तो कितना बरसात होती थी, 7 7 दिन तक बरसात हो रही है बराबर, हर जगह आपको हरियाली देखते थे। आप घर से ही जब निकलते थे तो हरियाली शुरू हो जाती थी, और आज आप देख रहे हैं कि पानी ना के बराबर बरस रहा है। आप देख रहे हैं कि वन आपको मुश्किल से कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। एजेंडा 21 की अगर बात करें, 21, तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधनों की अगर नियोजन की बात करें हम लोग, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति यानी कि योजना बनाने के तहत। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे दूसरे तरह की संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे ही प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी आपको प्रदेश देखने को मिलेंगे जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए आप झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है वहां। राजस्थान में देखेंगे कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, यानी कि यहाँ अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जल संसाधनों की आपको कमी देखने को मिलेगी। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी भी है लद्दाख, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी देखी जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में अगर संसाधन नियोजन की बात करें हम लोग, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है हमारे देश में, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणवत्तापूर्ण एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना एक हमारे सामने समस्या है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। आप योजना आयोग सुनते थे ना, ये आपका 1950 में ही बनाया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 2014 में आपका घोषणा हो चुकी थी कि नीति आयोग आएगा योजना आयोग की जगह, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुका है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके, यानी कि योजना आयोग की जगह अब आपका नीति आयोग आ चुका है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, उसके बाद खत्म कर दी गई है, ठीक है, उसके बाद कोई नई योजना नहीं बनी पंचवर्षीय। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। आप बुंदेलखंड को ही ले लीजिए, या कई नदियां आपको देखने को मिलेंगी,
बैतबा को आप ले सकते हैं, बैतबा में मुझे लगता है कि आपका 12 महीना ही पानी रहता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि लोग प्यार से रह जाते हैं। बुंदेलखंड में पानी की किस तरह किल्लत रहती है आप खुद देखते हैं। तो आप सोचिए अगर बैतबा से पानी पहुंचा दिया जाए आसपास के शहरों में, तो आप समझ सकते हैं कि बेहतर उपयोग हो सकता है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में होने से कारण बताएं। आप इसी का उत्तर प्रदेश का झांसी का उदाहरण ले सकते हैं कि पास में ही आपका 14-15 किलोमीटर बैतवा नदी दूर ही है, इतना ही होगा 10-12 किलोमीटर, फिर भी आप देखते हैं झांसी किस तरह से पानी की किल्लत से परेशान रहता है। उस तरह आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी है, सिंध नदी, वो भी आपकी ज्यादा दूर ही नहीं है, दतिया आसपास में ही है। अगर व्यवस्था करना चाहें तो दूर भी होगा तब भी पानी की सुविधा हो सकती है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशियों को संसाधनों का अवशोषण किया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इनका सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। आप जानते हैं कि आपके यहाँ जो कपड़ा होता था, आपके यहाँ जो मसाले होते थे, इसी की व्यापार के चक्कर में अंग्रेज आए हुए थे आपके यहाँ। लेकिन उन्होंने यहाँ आकर देखा कि हमारे यहाँ ज्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है इनका, तो उन्होंने कुछ दिनों तक अपना व्यापार किया, उसके बाद हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि जो हमारे समुद्र महासागर है, आप हिंद महासागर आपके पास में ही है, इसका उपयोग हम नहीं करते थे पहले। हम लोग महासागर में जाना पाप समझते थे। आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के समय अगर कोई हमारे यहाँ का समुद्र पार कर गया या समुद्र में कदम भी रखा तो उसे पापी मान लिया जाता था। और आप जानते हैं कि जब तक आप समुद्रों में नहीं जाएंगे तो आप मछली कहाँ से पकड़ेंगे, कितनी अगर पालन भी कर रहे हैं मछली पालन तो कितना कर पाएंगे, समुद्रों में कुछ ज्यादा ही संसाधन रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि संसाधन महासागर सबके लिए जरूरी होते जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने ये, उनके पास तकनीक भी थी, उनके पास प्रौद्योगिकी भी थी, तो उन्होंने आकर इसे बढ़ावा दिया। संसाधनों का संरक्षण की अगर बात करें, इनकी सुरक्षा की, तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय भी रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इस शब्दों में व्यक्त की थी। अब देखिए, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें प्रकृति ने इतना दिया कि सभी व्यक्तियों की धरती पर जो भी रह रहा है उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई लालची पैदा हो जाता है उस समाज में, तो उसकी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, सभी संसाधन कम पड़ जाएंगे। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षपाती भी थे। एक बात आप लोग सोचिए कि आपके पास पेड़ हैं, कई तरह के आप सोच रहे हैं कि कच्चा तेल भी, हमारे पास कोयला भी है। तो अगर एक सोचिए कि आप लोग एक सीमित तक खर्च करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक लालच के नजरिए से आप खर्च करने लगते हैं तो ये कम पड़ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आप समझिए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, फिर तापमान बढ़ेगा, इससे कई हमारे सामने समस्याएं भी उत्पन्न होगी, कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। अभी जितने भी आपके वायरस आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, ये सभी कहा जा रहा है कि जो पर्यावरणविद हैं यानी कि पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, वो सभी पर्यावरण को हानि पहुंचाने की हमें
परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, यही कहा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेध सर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भी देखा गया। ये भी आपका पर्यावरण को बचाने के लिए कदम इसमें उठाए गए थे। फिर आपका भू संसाधन क्या है? भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप भी करते हैं, विभिन्न रूपों में इनका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। पहले आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका खेत है, उसके बाद दूसरा खेत है, फिर चाहे आपका हो या पड़ोसी का हो, तो उसके बीच एक मेड़ कहलाती थी, इतनी जगह छोड़ दी जाती थी कि एक ट्रैक्टर आराम से आ जाया करता था। लेकिन अब देखिए आप लोग, इतनी भी जगह नहीं छोड़ी जाती है दोनों के बीच कि पैर रखने की भी जगह हो, फिर भी इंसान की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, फिर भी वो भूख से ही मर रहा है। तो स्थिति उस समय की ठीक थी कि कम से कम इतना छोड़ देते थे, फिर भी इतना उपयोग उत्पादन होता था कि आपकी पूर्ति पूरी होती जाती थी। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपको खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है आपको मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। ये आपका पर्वत हो गया, ये आपका पठार हो गया, ये आपका मैदान हो गया। 30% आपके पर्वत, 27% आपके पठार और 43% मैदान देखने को मिलेंगे। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 की बात की जा रही है। यहाँ देखिए फिर आपका 2014-15 में दिया जा रहा है, 2014-15 का। यहाँ आप देखेंगे कि आप वन कहाँ है, वन ये आपका वन 18.11%। उसके बाद आप देखेंगे कि ये है आपका क्या, बंजर 18.11% क्या है, बंजर तथा कृषि आयोग भूमि। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका हो गया गैर कृषि 4.95%, गैर कृषि प्रयोजन के लिए अंतर्गत क्षेत्र। उसके बाद आप देखेंगे ए 4.71%, ये आपका स्थाई चारागाहों, चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है। उसके बाद 1.50% एक देखेंगे विविध वृक्ष फसलें और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। उसके बाद ये आपका 6.23% में देखेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि है। उसके बाद ये आप देखेंगे 3.50% में परती भूमि के अंतर्गत अन्य पुरातन परती है, और ये आप देखेंगे 3.73% ये वर्तमान परती भूमि है, और ये आप देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.26%, यानी कि सबसे ज्यादा। अब अगर हम लोग 2014-15 में पहुंचे तो आपको सबसे ज्यादा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्रफल 45.5% देखने को मिलेगा, यानी कि कमी देखी जा रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि वन देखेंगे तो 23.3% हुए हैं, यानी कि बड़े हैं। उसके बाद आप देखेंगे बंजर भूमि की तो 5.5% यानी कि घटी है।
उसके बाद अगर आप देखें कि गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, तो ये भी आपका बड़ा है 8.7%। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि की, तो ये आपकी कमी है 3.3%। उसके बाद अगर विविध वृक्ष फसलें उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र देखेंगे, तो ये भी आपका कम है 1% हुआ है कम के। अगर आप कृषि योग्य बंजर भूमि की बात करेंगे, तो ये भी आपकी कमी है 4%। प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य पुरातन प्रति की बात करेंगे, तो ये आपकी बड़ी है, क्या हुआ, बड़ा है 3.6%। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि वर्तमान प्रति भूमि, तो ये आपका 4.9%, यानी कि ये भी बड़ा है। अब बात करते हैं भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे आप लोग सकते हैं कि इमारतें हो गई, सड़क, उद्योग, इस तरह से। प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य कृषि आयोग भूमि आती है, जैसे स्थायी चारागाह हो गए, अन्य गोचर भूमि इसमें शामिल होती है, विविध वृक्ष हो गए, वृक्ष फसलों हो गई, उपवनों के लिए अधीन भूमि हो गई जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों में खेती ना की गई हो। प्रति भूमि की अगर बात करेंगे, वर्तमान प्रति जहां 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, उसे प्रति भूमि। वर्तमान प्रति भूमि के अंतर्गत अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई। शुद्ध अगर निवल बोया गया क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, तो 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें 1 साल में 1 से 2 फसलें होती रहती हैं आराम से, यही हमारे लिए बहुत जरूरी भी रहती। भारत में अगर हम भू उपयोग प्रारूप की बात करें, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग की ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन आदि के क्षेत्र की भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीओके बाहला हिस्सा आपका पाकिस्तान कब्जा किए हुए, अक्साई चीन वाला हिस्सा आप देखते हैं चाइना कब्जा किए हुए है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम ही हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारागाह उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या फिर अधिक वर्षों में इनको एक या फिर दो बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत की कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, और वहीं आप लोग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे, तो यहाँ केवल 10% क्षेत्र पर ही से भी कम क्षेत्रफल बोया जाता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 80% से ज्यादा ही खेती होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, तो सबसे पहले 1952 में आई द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वांछित है, यानी कि 33% पर वन होना आवश्यक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम हुआ है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी की संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर रहती है। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि है, दूसरी गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में आपकी पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजन में लगाई गई भूमि में आपकी बस्तियां हो गई, सड़क हो गई, रेल लाइन, उद्योग, ये सभी आपकी शामिल रहती है।
लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा भी आ सकती है और आ क्या सकती है आप देख भी रहे हैं कि आती रहती है। बिहार में आप देखते हैं कोसी नदी की बाढ़, अब मालूम ही नहीं चलता है कि आप रात में सोए हैं, मालूम चला कि आपकी खाट खटिया के साथ आप बह गए। तो ये स्थिति देखी जा रही है आपकी बिहार में। आप समझते थे कि राजस्थान में कभी बाढ़ नहीं आती थी, आज देख रहे हैं कि बाढ़ आने लगी है। आज थोड़ी सी बरसात हो तुरंत आप देखते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय की अगर हम बात करें तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए थे तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की एक अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, इसमें से लगभग आपकी 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आती है, 56% क्षेत्र आपका जल अपर्दित है और क्षेत्र जो शेष क्षेत्र है ये लबड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका भी निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखेंगे तो अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती हुई। खनिज प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योगों में चूने, खड़िया और सेलघड़ी के प्रयोग से भी बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जबकि इसकी परत भूमि पर जम जाती है जो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण को उसका स्रोत भी रहा। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर झांसी गए हैं कभी तो झांसी से आप थोड़ा इस तरफ आएंगे ओरछा, बरुआ सागर एक जगह पड़ती है, वहां आपने केसर मशीन देखी होगी या फिर आप जहां भी रहते हैं उस आसपास आपने गिट्टी जिस जहां से निकलती है केसर मशीन से उससे देखी होगी, उससे जो धूल उड़ती है उससे आसपास के पूरे शहर छप जाते हैं, मतलब पूरे ढक जाते हैं। ये भी तो आपका प्रदूषण ही है, हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्तर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि चंबल में खंडर बड़े बड़े पेड़ वहां कम हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो जब भी चंबल में बाढ़ आती है या पानी ज्यादा बरसता है तो वहां बड़े बड़े खंडर हो जाते हैं, वो फिर उसके बाद डाकुओं की शरण स्थली भी बन जाता है, आपको मालूम होगा वहां डकैत शरण लेने लगते हैं। आपका मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मिट्टी आपका सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय नया योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा यानी कि मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। तो याद रखिए, आप लोग जानते हैं कि इसे बनने में लाखों समय लग रहे हैं और इसे हटने में आप देखते हैं किस तरह से, अगर एक अच्छी बरसात हो जाए और पेड़ पौधे वहां ना हो तो किस तरह से कट जाती है, उसे आप लोग जानते हैं।
प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी आपके महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। कितने निम्नलिखित प्रकार हैं? ये आपकी ऊपरी संस्तर मृदा हो गई, उप मृदा अपेक्षित चट्टानों, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका। फिर उसके अंदर जाएंगे तो अंदर स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें, उसके बाद आप पर और नीचे तो अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। ठीक है, मृदा की अगर वर्गीकरण की बात करें यानी कि मिट्टी के प्रकारों की बात करें तो भारत के अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां आपको विकसित हुई होती हमारे देश में। सबसे पहले है आपकी जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा भी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय को तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जिसमें आप देखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। एक सकरी गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा से बनी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिख रही है आपको जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में आपको रेत, सिल्ट, मृत्तिका की विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटी कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों के तलहटी बने मैदानों जैसे द्वार, चौ, छेद और तराई में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगी। कणों के आकार या फिर घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के अगर आधार पर हम लोग जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात करें तो एक पुराना जलोढ़ जिसे आप लोग बांगर के नाम से जानते हैं, एक नया जलोढ़ जिसे आप लोग खादर के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है और जो खादर मृदा है इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जो जलोढ़ मृदा है बहुत ही उपजाऊ है। क्या है? बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए आप देखते हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसके जो मुहाने क्षेत्र हैं वहां ज्यादा उपजाऊ फसल, मतलब उपजाऊ वहां मृदा ज्यादा रहती है और इसीलिए उस जगह फसल भी का भी उत्पादन अधिक होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। इन सभी फसलों के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं की सही उपचार और सिंचाई करके इनमें भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इनका भी इलाज करके आप इनमें भी उपजाऊपन ला सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा प्यारा भारत है, देख लेंगे ये आपका प्यारा श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप भारत का, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिए हम लोगों ने वर्ल्ड का मैप्स पूरा कवर किया हुआ है, सभी राजधानी, सभी आपके जो देश हैं उनकी राजधानी उनके बारे में और जितनी आपकी जो भी महासागर हैं, इस तरह के जो भी आपके वर्ल्ड मैप से संबंधित हैं सभी टॉपिक एक पूरी बुक्स आपकी कवर की हुई है। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी में आपका कोई मैप से संबंधित क्वेश्चन छूटेगा। मैप के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी क्लासें पड़ी हुई है। ये आपका म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान हो गया, ये चीन हो गया। चीन के बारे में याद रखिए कि हमारी चीन से डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, लेकिन आप जानते हैं कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उसके बाद चीन से हमारी सीमा लगने लगी। नेपाल है आपका पड़ोसी, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ अफगानिस्तान है, पीओके वाले हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है। अब हमें बात करनी है यहाँ मिट्टी के बारे में, तो आप ये देख रहे हैं पर्वत और वन, यहाँ पर्वत और वन यहाँ देख रहे हैं आपको, ये बीच बीच में सिक्किम हो गया अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। उसके बाद आप जलोढ़ मृदा देखेंगे, ये जलोढ़ मृदा है यानी कि बहुत ही उपजाऊ मृदा है, ये आप देख रहे होंगे गुजरात में भी, ठीक है,
ये आप यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, इस तरफ देखिए नीचे, ये जलोढ़ मृदा है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी की बात करेंगे तो ये आपकी लाल पीली मिट्टी होगी। उसके बाद काली की अगर मिट्टी की बात करें तो ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक ये सभी फैली हुई है बीच बीच में, यहाँ भी आपको देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ये आपकी काली मिट्टी है। लैटेराइट अगर मिट्टी की बात करें तो ये आपको पश्चिमी घाट पर दिख रही है, उसके बाद राजस्थान के कुछ भाग में दिख रही है यहाँ, और आपको ये भी दिख रही होगी यहाँ बांग्लादेश में पूरा ऐसे ही से भरा पूरा हुआ है, यहाँ आपको पश्चिम बंगाल उड़ीसा के पास भी, ठीक है, बाकी बनी रहती है। उसके बाद शुष्क क्या है, शुष्क ये आपको देखने को मिल रही होगी ये राजस्थान पंजाब तक, ये शुष्क, ठीक है। याद रखिए आप लोग मैप्स के लिए मेरा मानना है कि उस पूरी किताब को पढ़ लें, आपका पीडीएफ शायद उस पर टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और आपकी जो लेक्चर सभी क्लास है उसी में पड़ी हुई है, जाके अच्छे से देख लें। अगर उसे कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें हम लोग रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए आप लोग काली कपासी मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों से काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार बैसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, और लावा, यह देख रहे हैं आप लोग काली मिट्टी जब सूखती है पानी के बाद तो ये दरार में पड़ जाती है, इसमें लावा जनक शैलों से बनी है मिट्टी। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर भी पाई जाती हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में भी आपको ये मृदा देखने को मिलेगी। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम ही रहती है, और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह की वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं, इन पर को जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून के प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। आप देखते हैं कि आपके यहाँ होगी तो छोटी सी बरसात होती है, उसके बाद जोत पाना इन्हें संभव नहीं रहता है, समझ रहे हैं। और याद रखिए आप लोग मैप्स में भारत के जो भी राज्य हैं, अब आपके 28 राज्य बचे हुए हैं, तो उन्हें आप लोग क्रम से रट लीजिए, चाहे जो भी याद किसी भी तरह से याद रख लीजिए उन्हें हर क्रम में, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं एमपीपीएससी में, कई बार यूपीपीसीएस में, और सिविल सर्विस में भी आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या फिर पूछ लेता है सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की अधिक राज्यों को छूती है, तो आपका उत्तर प्रदेश 9, समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 5 से, तो इस तरह आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चंस में कितने राज्यों से छूती है, तो अच्छे से एक बार याद रख लें। लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान की दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका जो रंग पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। शुरू में मैंने जब सिलेबस बताया था, पैटर्न बताया था, तब बताया भी था कि आपके पास दो चार मतलब इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए, जैसे सिलेबस हो गया, सबसे पहले आपके पास सिलेबस, उसके बाद करी के आपके कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास, उसके बाद कम से कम 6 से 7 साल के आपके मेंस के भी 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल के भी, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक मैप्स, वर्ल्ड का मैप्स और भारत का मैप्स, और अगर संभव है तो आप स्टेट का, अपने स्टेट जिस स्टेट से हैं उसका भाई मैप्स आप अपने लगा सकते हैं रूम में, ठीक है, इतनी चीजें आपके पास कम से कम होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। अब आपके पास लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा के से अत्यधिक निचालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों
और उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी पाई जाती है, जहाँ इन मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी अधिक उपयुक्त हैं। इस तरह से आप देखते रहते हैं लेटराइट मृदा। कभी इसीलिए तो कहा जाता है कि आप विभिन्न क्षेत्रों को घूम के देख लिया करिएगा, आपको कम से कम मालूम तो चल जाएगा कौन सी मिट्टी कैसी है। फिर आप देखते हैं मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इनमें अधिक देखने को मिलेगी। झीलों से जल वाष्पीकृत करके खानों का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प वाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा में भी कमी होने देखी जाती है। मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःसंधान अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि अंदर जल नहीं जा पाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो भी रहा है। ये है आपकी, समझ में आए। फिर आपकी है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में परिवर्तीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं तोमट और शिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटी कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अगर हम लोग मृदा अपरदन की बात करें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन भी देखते हैं और संरक्षण भी देखते हैं, यानी कि सुरक्षा भी देखते हैं इसकी। मिट्टी के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि एक जगह आप सोचिए कि नदी आती है, आप देखते हैं बाढ़ के समय या पानी की बरसात के समय आप देखते हैं कि मिट्टी का कटाव होता रहता है। और पेड़ों का सबसे अच्छा फायदा तो यही रहता है कि मिट्टी को जकड़े रहती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। आपने देखा होगा कि जहां सबसे ज्यादा पेड़ होंगे वहां मिट्टी कम ही कटेगी, और जहां सबसे कम पेड़ होते हैं थोड़ी भी मिट्टी रहती है हो जाएगी। इसे आप अपने यहाँ नॉर्मल लीजिए कि आप गमले में पानी डालते हैं, अगर पेड़ होगा तो उसमें माटी कम ही कटेगी, क्योंकि चिपकी रहेगी गमले के पेड़ से। और जैसे ही आप लोग गमले में कोई पेड़ ना हो तो आप डालिए, तुरंत नीचे पानी बहने लगेगी मिट्टी। मृदा के बनने यानी कि मिट्टी के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाते हैं, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे आप देखेंगे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मिट्टी का युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है, जिन्हें हम लोग अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि, बेड लैंड। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड कहते हैं, खंडर। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए डाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुल घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। क्या? चादर अपरदन कहा जाता है। पशुचारण का ये मतलब है कि आप देखते हैं कि जंगलों में पशु जाते हैं तो उसके जो खुर होते हैं उनके द्वारा अपरदन होता रहता है, उनमें लगा रहा है, उपजाऊ मिट्टी वहां से हट जाती है, इस तरह से। ठीक है। पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू जैसे क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो उस समय भी आप देखते हैं कि वायुमंडल में, आपने देखा होगा, बादलों में धूल उड़ती रहती है। तो यही बात की जा रही है कि ये धूल एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन देखने को मिलती है। गलत ढंग से हल चलाने,
जैसे ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, और जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव भी कर देता है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि एक बहते हुए क्षेत्र में जिस तरफ बहाव क्षेत्र हो उस तरफ हल नहीं चलाना चाहिए। उसे आड़ा, मतलब अगर आप सोचिए कि इस तरह से हल चल रहा है, इस तरफ से आपका बहाव क्षेत्र है, तो आपको ऐसे ही जुताई नहीं कर देनी चाहिए, इसे काट कर ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे वो मृदा रोपी रहे। और नालिका, इस तरह से आप देखते हैं नालियां बन जाती हैं, कई जगह आप दैनिक अपने जीवन में भी देखते रहते हैं, ठीक है। ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। क्या कहते हैं? समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि का सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांधा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। इस तरीके से को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करना है। इन रक्षकों पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बात याद रखिए कि इनमें जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, अगर आपने अभी शुरू से देखा है, हम लोगों ने 9वीं से बात की हुई है, आपकी 10वीं की भी एक बुक्स खत्म कर चुके हैं, ये आपका भूगोल का पहला चैप्टर, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको ऐसा शब्द मिला हो जो आप जिससे आप परिचित ना हो। यानी कि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी जाती है बुक्स हैं कि आपको समझ में आ जाए। और आप देखते हैं, इसीलिए आपको सलाह भी दी जाती है कि आप इन्हें पढ़ लें पहले, और इसीलिए आप देखिए कि आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई स्पेशल बुक्स भी पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह है कि आपको 10वीं तक ना पढ़ाया जाए, डायरेक्ट 12वीं में एडमिशन दिया जाए, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो एक 10वीं तक जाने का मतलब है कि आपका बेस मजबूत हो जाए, समझ रहे। भारत के पर्यावरण की अगर दशा की बात करें हम लोग, तो सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया। भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टर हो गया। यानी कि अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्ध, ताकि कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि भी आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इनका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधक द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। देखिए, सब कुछ संभव है, बस आपको मेहनत करनी आनी होनी चाहिए। समुदाय, हे भगवान, अभी तो भ्रम है। ठेकेदार नौकरशाह ने भारत सरकार की परियोजनाएं, लेकिन आप सोचें कि किसान की बहुत बुरी स्थिति रहती है कोई भी देश हो। हमारे देश के किसानों की तो और बुरी स्थिति रहती है। बुंदेलखंड आप देखते हैं कि बहुत ही सूखा रहित क्षेत्र है, बहुत ही सूखा पड़ती है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है कभी कभी। लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि कोई व्यवस्थाएं परियोजनाएं अच्छे से नहीं चलाई गई, वरना इसे भी हरा भरा किया जा सकता है। देख रहे हैं, आप भी जिस क्षेत्र से हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अपना मतलब कि किस तरह से आपके यहाँ पानी का समाधान निकाल सकते हैं। नीचे बताइए अगर आप जिस क्षेत्र से रह रहे हैं आपको लगता है ऐसा। तो ये हमारा था पहला चैप्टर, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास, इसी से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लगाते रहना, ठीक है। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास। चलिए, तो हम दूसरे चैप्टर में मिलते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में जानेंगे।